आज दोनों रिकॉर्डिंग एक साथ भेज दूंगा। ठीक देखो जी, इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइव ट्रायल्स, पांच ट्रायल किए गए किसी एक्सपेरिमेंट के, उसका मीन और वेरिएंस का जो सम है वो दिया हुआ है आपको 1.8। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। अच्छा ये बताओ मीन क्या होता है बायनोमियल का, एनपी, और वेरिएंस क्या होता है? तो इक्वेशन बनाओ जरा पहले एक मिनट, एनपी प्लस एनपी क्यू इक्वल टू कितना लोगे, इक्वल टू 1.8। अच्छा अब जरा एनपी प्लस एनपी क्यू में से कुछ कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो, एनपी कॉमन निकाल लो। अच्छा अब मैंने आपको एन की वैल्यू तो दी है, लेकिन नहीं एनपी पूरा कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस क्यू रह गया, अब उसमें एन की वैल्यू पुट कर दो, 5 पुट कर दी, चलो ठीक है आप यहां तक पहुंच गए। अब देखो एनपी प्लस एनपी क्यू इक्वल टू 1.8, एनपी कॉमन 1 प्लस क्यू इक्वल टू 1.8, 5p ब्रैकेट 1 प्लस, रुक गया मैं, बोलो क्यों क्या लिखना है मेरे को, क्यों मत लिखना, क्यू के प्लेस पर क्या आ सकता है, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, तो क्यू के प्लेस पर आ सकता है 1 माइनस p। ऐसा करने से क्या होगा, इससे इसमें p निकल आएगा, देखो आप तो 1 माइनस p क्यू 5 माइनस p नहीं होगा, 1 माइनस p द्वारा बोलो सर, क्योंकि जगह 5 माइनस p नहीं होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स -p होता है ना, नहीं ये जो P और Q होते हैं ना, P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, Q फेलियर की है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा बन रहता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। ओके तो हमने इसने क्या किया, ये जो Q था उसके प्लेस पर वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ से 1 माइनस p, ये 1 माइनस p पुट कर दी, बाकी ये 5p का 5p बाहर चल रहा है, 1.8 का 1.8 चल रहा है। अब जरा ब्रैकेट ओपन करो भाई, 5p को 2 से मल्टीप्लाई किया 10p, 5p को माइनस पी से मल्टीप्लाई किया 5p स्क्वायर इक्वल टू कितना 1.8, 1.8 को ऐसे लिख दो 9/5, 0.8 आके नीचे 10 लगाया और 2 से काट दिया, क्योंकि डेसिमल में अगर कोई नंबर होता है ना तो फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है, फिर हम 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50p 25p स्क्वायर इक्वल टू 9, फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 25p स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, 50p उधर जाकर माइनस हो गया, और उधर प्लस का 9 पहले से था, इक्वल टू 0। फैक्टर्स बता दो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने पड़ेंगे, 9 × 25 करके फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करने पर 50 आ जाए, हो जाएंगे देखो। प्लस करने में 50 आना चाहिए, ठीक है, ओहो मैंने रब कर दिया ये। भाई इतना क्या था, देखो ऐसे करो ना फैक्टर्स, टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, 25 × 9 करना है, मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हो, 25 के फैक्टर हो गए 5 × 5, 9 के हो गए 3 × 3, 45 और 5, बिल्कुल सही है, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 और 5,
45 और 5 प्लस करके 50 बन जाएगा, तो स्प्लिट करो इसको जरा, 25p स्क्वायर माइनस 45p माइनस 5p प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन आएगा आपका 5p, यहाँ बचेगा 5p माइनस 9, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 1, 5p माइनस 9, p की दो वैल्यू आ रही है, p की एक वैल्यू को देखो भाई ये आ रही है 9/5 और एक p की वैल्यू आ रही है 1/5, दोनों चलेंगी कोई एक चलेगी या कोई भी नहीं चलेगी, सेकंड नहीं चलेगी, फाइव नहीं चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, ये सब वन से छोटा होगा ना, वन से बड़ी है, राइट, वन से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी पॉसिबल ही नहीं होती, इसको करते हैं रिजेक्ट, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ पी अगर 1/5 है तो क्यू कितना होगा, 4/5, सब चीजें पता चल गई, क्वेश्चन क्या था बताना, क्या निकालने को बोला है उसने, डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, देखो कैसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं रब कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी आर सक्सेस इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू नहीं पता हमें, एन हमें पता है 5 है, सी आर, फिर इसके आगे आता है पी टू दी पावर आर, पी कितना आपका 1/5, 1/5 टू दी पावर कितनी आर, आगे बोलो क्या लिखूं, 4/5 टू दी पावर कितनी 5 माइनस आर, बस यहां पे कॉमा करके आर की पॉसिबल वैल्यूज लिख दो, खत्म, यही डिस्ट्रीब्यूशन है, आर की वैल्यूज बोलो, बिल्कुल सही, अगर आप बिल्कुल, आप जब 5 ट्रायल कर रहे हो तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो एक भी सक्सेस नहीं मिली, या 2 मिली, या 3 मिली, या 4 मिली, या पूरी 5 मिली, आर की ये वैल्यूज हैं और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। एलजेब्रा ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी है ही कहां, कितनी सारी एलजेब्रा घुसा रखी है इन्होंने इसके अंदर, बस हमने क्या किया, मीन और वेरिएंस को ऐड किया, 1.8 के इक्वल रखा, ये हमने अपनी तरफ से नहीं किया, क्वेश्चन में था, एनपी को कॉमन लिया, एन की वैल्यू इन्होंने दे दी, हमने वो पुट करके क्वाड्रेटिक बना के पी निकाल दिया, क्लियर, मीन इक्वल टू एनपी, क्या चीज, मीन एक्चुअली क्या है, आपके पास कोई भी डेटा होता है उसका आप एवरेज निकालते हो ना, वेरियंस भी एक डिस्पर्शन की मेजर होती है, तो मेरे को स्टैट्स नहीं जाना पड़ेगा फिर इसके लिए, यूज आ गया ना, अभी बहुत डेटा आते हैं आगे, बड़े बड़े डेटाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में कोई नहीं, कुछ नहीं यूज कर सकते कि आपने मीन जो निकाला उसका यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है, अगर 5 ट्रायल हो रहे हैं, अगर आपको इसमें से मेरे को तीन सक्सेस की प्रॉबर्टी चाहिए तो इसमें से निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, बाकी जैसे ना वेरियंस और मीन का क्या यूज होता है, या बहुत हायर क्लास में जाके सीखोगे, अगर आप बीकॉम ऑनर्स लेते हो और उसमें अगर मैथमेटिक्स आता है तो आपका ये यूज होगा अच्छे से, डेटा को एनालाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है, फिर ये अब होता क्या है ना, 12th लेवल पे इतना स्कोप नहीं कराते ये, बस बता देते हैं निकालना, लिखो जी क्वेश्चन, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, determine the binomial distribution whose mean is 9, determine the binomial distribution whose mean is 9 and variance is 9/4, mean तो उसका 9 है और variance 9/4 है, अब distribution के लिए आपको क्या क्या चाहिए, n चाहिए, p चाहिए और q चाहिए, आर को चेंज हो जाएगा ना इस तरह से, आर को कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिखा था, करो ट्राई, मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दो क्या होगा, बोला हो गया, अब देखो ये जो इनवर्स आ रहा है और ये जो मैट्रिक्स भी आ रहा है, साइन चेंज तो नहीं हो रहा है क्योंकि 1 का साइन चेंज नहीं है, इसका ट्रांसपोज हो रहा है, देखो देखो cos अल्फा - sin अल्फा 0 ऐसे आ गया, सेकंड रो देखो ऐसे आ रही है, थर्ड रो ऐसे, तो जो इनवर्स है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, सारा निकाल लो एक बार, क्यों चेक कर लो, किसी का आ गया, चलो कर लो पूरा कर लो, तो एक साथ चेक कर लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, ये भी नहीं है, f of alpha inverse, ये भी नहीं है,
क्योंकि हमारा जो इन्वर्स आ रहा है वो इसके ट्रांसपोज के एक को ला रहा है, ट्रांसपोज का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार माइनस अल्फा चेक कर लें, अगर हम यहाँ पे माइनस अल्फा रखेंगे तो कॉस अल्फा को फर्क नहीं पड़ा, सेम आ गया। यहाँ रखेंगे माइनस अल्फा, ये बाहर आके प्लस हो गया, ठीक है मैच हो रहा है। हाँ भैया तो मैच हो रहा है, माइनस अल्फा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, ये हो। और ट्रांसपोज भी मैच होता अगर होता, मान लो ये वाला ऑप्शन ना होता, ट्रांसपोज होता, तो वैसे अभी फिलहाल ये ऑप्शन होता। देखो ना, अगर इसमें सब जगह माइनस रखोगे तो कॉस ही रहता है, साइन का माइनस बाहर आके इसको प्लस बना रहा है, देखो प्लस हो गया। हाँ तो ये वाला ऑप्शन है ना, इसमें जब माइनस अल्फा रखोगे, ये रहा ना माइनस यहाँ पे, इसमें जब माइनस, देखो ये एफ अल्फा है, दोनों तरफ माइनस अल्फा रिप्लेस कर दो सब जगह, ठीक है बन गया कॉस माइनस अल्फा यानी कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, तो ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा यहाँ पे। और ये क्या है, ये एफ अल्फा का इनवर्स है, तो इसका मतलब एफ माइनस अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा का इनवर्स। नहीं है कोर्स में, नहीं है दे दिया टीचर ने। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या बनेगा, के टू माइनस वन जीरो, के माइनस वन माइनस टू जीरो जीरो के प्लस टू। इसको सिंप्लीफाई करके इज नॉट इक्वल टू जीरो रख लो, के की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है, के किसके इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है, एफ ए जीरो आई, एक्स के प्लेस पर ए पुट कर दो, जितनी जितने एक्स है सब जगह ए पुट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद यह काम करो, पहले से एक्सपेंड कर लो, हाँ मतलब उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, या ऐसे कर दो, देखो एफ ए का जीरो का मतलब नहीं, डायगोनल जीरो होंगे तो जीरो उठेगा, वो कब निकलता है जब डायगोनल जीरो होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो x को पहले a पुट करके डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके देखो, जीरो आ गया तो ये ऑप्शन ठीक है, b पुट करने जीरो आ गया तो ठीक है, जीरो पे जीरो आ गया तो ठीक है, वरना वन पे जीरो आ गया ठीक है। उससे बेटर ये है पहले इसको एक्सपेंड करके सामने लिख लो, उसमें x क्लियरली चेक कर लेते हैं कि इसको जीरो बनता है। एक्सपेंड कैसे हुई, जीरो के आगे तो जीरो हो गया, फिर माइनस x माइनस ए, इसके आगे ये कॉलम गए हो गई जीरो माइनस ये, तो माइनस को इसको प्लस कर लो, फिर प्लस x माइनस बी, इसके आगे ये एसिमेट्रिक का ही होगा और ये जीरो, x प्लस ए x प्लस सी। अब इसकी वैल्यू चेक कर लो किस पे जीरो बन, देखो a पुट करोगे तो ये जीरो हो गया पूरा, ये पोर्शन जीरो हो गया, a पुट करने पर ये जीरो नहीं हुआ तो a पुट करने पे जीरो नहीं आ रहा, b पुट करके देख लो, b पुट करने पर ये जीरो हो गया ये पूरा, लेकिन ये जीरो नहीं हो रहा, जीरो पुट करके देख लो, जीरो 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 पुट कर लो सब जगह, जरा सॉल्व करके देख लो, शायद जीरो हो जाएगा मेरे ख्याल से, आंसर ही आ रहा है। हाँ इस पे तो नहीं आ रहा, ये वाला चेक कर लो, जीरो जीरो से शायद जीरो वाला, एक्स के प्लेस पर। हाँ जी बोलो, अभी वाला क्वेश्चन एन बताओ कितना आ रहा है, एन ट्वेल्व, पी कितना आ रहा है, थ्री बाय फोर, कितना आ रहा है आशा तुम्हारा, कितना आ रहा है, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, और क्यू वन बाय फोर, चेक करो भाई सब लोग और मुझे बताओ अगर नहीं मैच हो रहा है तो, मैच हो रहा है सबका, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो बस यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस ट्वेल्व सी आर थ्री बाय फोर टू दी पावर आर वन बाय फोर टू दी पावर ट्वेल्व माइनस आर, इसमें आर की वैल्यू बताना कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से लेकर ट्वेल्व तक कोई भी पॉसिबल हो सकती है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू फोर and p
capital X equal to 0 is equal to 16 upon 81. एक बैनरमन डिस्ट्रीब्यूशन में n को 4 है यानी कि 4 ट्रेल है, ये जो x है ये r की वैल्यू के लिए डिनोट होता है, r की जगह एक x भी लिख सकते हैं, तो जब r 0 होगा तो उस पर प्रोबेबिलिटी है 16 अपॉन 81, तो आपको मुझे निकाल के बतानी है q की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। n 4 है, probability 0 पर है 16 upon 81, तो आपको q निकालना है 2/3, बहुत फास्ट निकला तुमने भाई, करेक्ट एकदम। आगे इक्विवेलेंस देखो, पहले हम इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में एक्स वाई इधर हो जाएगा, एक्स वाई इधर हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स वाई कर दो, तो यहाँ बी की जगह आ गया वाई और यहाँ यू की जगह आ गया एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई आ गया ना, तो एक्स वाई के इक्वल है यानी रिफ्लेक्सिबल। सिमेट्रिक में एक्स वाई का रिलेशन यू बी से ये दिया हुआ है ना, इसको रिवर्स कर लो, यू बी को आगे ले आओ, एक्स वाई को पीछे ले जाओ, और देखो यही इक्वेशन दोबारा से आ जाए, लिख के करो, वर्बली नहीं होगा, लिखो पहले। हाँ जी हो गया, क्यों आ गया, क्या करके नहीं आया, कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ जब r की वैल्यू जीरो होती है तो फॉर्मूला क्या लगेगा। मैम आप मेरी ले लो, इधर तो है नहीं मेरे पास, अरे काम दो, जानवी सॉरी जागृति, अगर एन आर की वैल्यू जीरो होगी तो फॉर्मूला कैसे लगाते हो, एन मेरे को फोर दिया हुआ है, बोलो फोर सी जीरो, पी की पावर में कितना आएगा जीरो, क्यू टू दी पावर मतलब के फोर माइनस जीरो फोर आएगा, ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन कहता है ये 16 अपॉन 81 के इक्वल है, इतना क्लियर, फोर सी जीरो की वैल्यू वैसी बन हो जाती है, p टू दी पावर फोर जीरो भी वन हो गया, खाली क्या बचा q टू दी पावर फोर, और ये किसकी पावर फोर है, ये टू अपॉन थ्री की होल पावर फोर है, लो क्यों नजर आ गया 2y, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट इफ x बनाएंगे कैपिटल, इफ x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है एग्जाम में कि एक्स किसको फॉलो करता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, अब आगे कुछ कंडीशन दी हुई है वो लिख लो, एन की वैल्यू 5 है मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 2 इक्वल है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 3, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 के, तो आपको बतानी है p की वैल्यू, सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों साइड पे फॉर्मूला लगाना है, उसमें n की जगह 5 रखना है, r की जगह 2 और एक बार r की जगह 3 रखना है, करके देखो इजी है। अभी लैपटॉप को चार्ज कर लो, नाइन का नाइन रखेंगे हम तो साथ में फॉर्मूला पुट कर देंगे बस उसके, एक्स इक्वल टू थ्री रखकर, ठीक है।
पी वन बाय नाइन है, चेक कर लेते हैं। वन बाय नाइन देखो चार्जिंग में से होगा एक्स वाई का रिलेशन बनाएंगे यूबी से, यूबी का रिलेशन बनाएंगे ए बी से, तीसरा पे है। फिर इसका इसका रिलेशन अगर बन गया इन दोनों की हेल्प से तो ट्रांसफर हो गया। रिलेशन क्या कहता है, एक्स को मल्टीप्लाई बी से करो इक्वल वाई को मल्टीप्लाई यू से करो, इधर भी करो सॉरी एक्स बी वाई इधर भी एस यू मल्टीप्लाई बी से करो इक्वल बी मल्टीप्लाई ए से करो, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक्स बी सर पी की वैल्यू आ रही है 1/10, 1/10 आ रही है आपकी, ओके। और आपकी किधर कितनी आ रही थी, 1/9 आ रही है, आज तो इधर 1/9 बता रहे हैं बच्चे, एक बार चेक कर लो। यू बी कैंसिल, एक्स बी इक्वल टू वाई ए बचो। अब जरा चेक करें, अगर हम एक्स वाई का रिलेशन ए बी से बनाते तो क्या बनता, एक्स बी इक्वल टू वाई ए बन रहा है, ये वही आ रहा है देखो। इसका मतलब अगर इसका इससे रिलेशन और इसका इससे रिलेशन तो इसका इससे बन रहा है, तो ये ट्रांसिटिव भी है इसका मतलब, है ना। हाँ जी आया 1/9 आस्था, नहीं सर नहीं आया। जागृति, अच्छा चलो देखो एक्स इक्वल टू टू के लिए मेरे को फॉर्मूला बोलो, चलो 5c2, हाँ 5c2 क्योंकि n को 5 है, 5c2 पी स्क्वायर Q की पावर 3 इक्वल टू में चलते हैं 9 तो 9 रहेगा मल्टीप्लाई आर इक्वल टू के लिए 5c3 पी क्यूब क्यू स्क्वायर जितनी कटिंग आमने सामने सकती है कर लेते हैं। पी स्क्वायर ने पी क्यूब का क्यूब काट दिया, उधर क्यू स्क्वायर ने क्यू क्यूब का क्यूब काट दिया, मैंने 5c2 से 5c3 को काट दिया, ऐसे काट सकते हैं 5c2 5c3। Yes, sir. बराबर है। आपको अगर प्रॉपर्टी याद हो तो मैंने बताया था 5 में से 3 माइनस करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, तो 5c3 और 5c2 आपस में न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, और आप इसको ओपन करके काटोगे तो भी कट जाना है इन्होंने। अब क्या क्या बचा है पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे बचा है 9p, क्यू के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1-p। अब जरा यहाँ से p निकाल के बताओ 10 आपका 1/9 कैसा है सारे लोगों का, इधर आस्था का ठीक है, इसका मतलब आपका क्या चीज, हाँ होल से ही है, हाँ ब्रैकेट लगा लो, ये लो कौन कह रहा है ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये ठीक है ऐसे है। अच्छा चलो ये बताओ सही में आ गया, बताऊं या फिर तो भाई आस्था चलो ठीक है, आप लोगों की गलत आ रही थी, सबकी 1/9 कैसे आ रही थी। अच्छा तुमने क्यू को पूरे तरह से उड़ा दिया, मतलब ओ यहाँ पे 1 लिख दिया फिर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 200 आइटम्स, इन अ ग्रुप ऑफ 200 आइटम्स If the probability of getting a, if the probability of getting a defective item, if the probability of getting a defective item is 0.2, then find the mean. इससे आसान क्या लोगे? जल्दी से बोल दो, आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट 14, 0.40 सक्सेस इवेंट कौन सा, सक्सेस आपकी जो डिफेक्टिव आइटम है वही आपकी सक्सेस है, जो डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी है, और कुछ तो बोला नहीं उसने, बस बोला डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दो इसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होगा वो एन इनटू पी हो जाएगा सिंपली। 40 या 0.4 200 मल्टीप्लाई 0.2 से करोगे ना, हाँ 40 सॉरी।
अच्छा तो ये मीन और वेरियंस के क्वेश्चन तो आसान है। अच्छा अब डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से खतरनाक वाले, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन ऑफ हिटिंग अ टारगेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज 1/2। फुल स्टॉप। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 90%, 90 इज मोर देन 90%। एक तो समस्या ये है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन से लगता है, ये पढ़ तो लिया है, सेम सही में आ रहा है, लेकिन पता नहीं करना क्या है। अच्छा अब एक एक चीज करके लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाउ मेनी टाइम्स, ये क्या क्या चीज है जो निकालना है, एन निकालना है, ठीक है लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने करने हैं मालूम नहीं है आपने, ठीक है भाई, एन तो निकालना है, लिखते जाओ एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब वो टारगेट को हिट करेगा, जब वो फायर करेगा, शॉटगन से फायर करेगा, तो उसमें टारगेट के हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्या चीज है, 1/2 क्या चीज है, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये पी है आपका। तो क्यों बता दो आपको, क्यों में क्या दिक्कत है, 1/2। अब ये बताओ सक्सेस कितनी बार मांगी है क्वेश्चन, लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार सक्सेस मिलनी चाहिए। एटलीस्ट वन का मतलब आर की वैल्यू बोलो, एटलीस्ट वन, वन से लेकर जितनी भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कहां तक बोलो, कहां तक जाएगी, इनफिनिटी तो नहीं जा सकती, एन, जितना भी एन होता है वहीं तक तो जाती है हमेशा। अब आप क्या करोगे, 1 से लेकर एन तक सारे केस निकाल के प्लस करोगे, सही लग रहा है आपको करना, ये क्या करोगे, टोटल माइनस जीरो, बिल्कुल 1 में से आप माइनस करोगे एक ही केस आर इक्वल टू जीरो वाला। मैंने अभी आगे का क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, वो छोड़ दिया है, बस इतने पे काम करना शुरू कर दिया है। अब 1 माइनस आर इक्वल टू जीरो के लिए फॉर्मूला शुरू करते हैं, बोलो एन सी जीरो, एन तो पता नहीं हमें, आगे बोलो 1/2 to the power 0, दोबारा से 1/2 to the power n, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एटलीस्ट वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ गई, सॉल्व करें थोड़ा सा, ये क्या होता है 1 और ये क्या होता है, तो ये दोनों तो 1 हो गए, बच्चा कुछ बताओ क्या रह गया, 1 minus 1/2 whole power n। ये जो आपने प्रोबेबिलिटी मेरे को बताई है ये कितनी सक्सेस की है, कम से कम एक सक्सेस की है। क्वेश्चन कहता है ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ज्यादा होनी चाहिए किससे, 90% से ज्यादा, हम भी ऐसे करेंगे, इसको ग्रेटर देन बनाएंगे 90%। ये तैयार कर लिया हमने, बस अब इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके एन की वैल्यू का पता लगाना है। ऐसा लगता है कितना टफ जॉब है, एन कैसे निकलेगा अभी इसमें से, एक तो ग्रेटर देन का साइन आ गया, इक्वल हो फिर भी सोचा जाता है दिमाग में, देखो सॉल्व कैसे करना है इसको, 0 0 कैंसिल, मैं 9/10 को इधर माइनस कर दूंगा, इसको इधर जाके प्लस कर दूंगा, ऐसे लिख सकते हैं 1 minus 9/10 ग्रेटर देन ऐसे ही रहेगा, और इधर आ गया 1/2 whole power n, ठीक है बेसिक सी बात है, 1 में से 9/10 को माइनस कर लो भाई, 1/10, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, ऐसे रह गया, ठीक है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लो, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां दिखाई देगा, वहां दिखाई देगा, 1/10 का रेसिप्रोकल करना 10, इसका रेसिप्रोकल करो
बीच वाला साइन बता दो आप, पलट जाएगा। अभी ग्रेटर देन ये, तो अब ग्रेटर देन ये हो जाएगा। ये कोई रूल है क्या? कोई नियम नहीं है, ये कॉमन सेंस है, छोटी सी मैथमेटिक्स की कॉमन सेंस है। देखो जैसे ये होता है, मान लो 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है आपके हिसाब से? 1/2 बड़ा है, ये 0.5 है, वो 0.25 है, ये बड़ा है। मैंने कहा दोनों को उल्टा कर दो, आपने दोनों को उल्टा कर दिया, अभी कौन बड़ा है? अब तो 4 बड़ा है भाई, कोई हमने भी किया। अब क्या करो, n की वैल्यू पॉइंट में तो हो नहीं सकती, देखो n क्या चीज है बताओ? नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स या तो भाई ट्रायल किया ही नहीं हमने, और किया तो फिर या तो एक बार किया या दो बार किया या तीन बार किया। कैसा हो सकता है कि हमने कहा हमने ट्रायल किया 4.5 बार? नहीं हो सकता। हमने ट्रायल किया -3 बार? नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू 1 रखकर रख दो, तो बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? n की वैल्यू 1 रखने से ये फॉल्स है, क्योंकि 10 छोटा हो जाएगा 2 से, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। n की वैल्यू 2 रखो, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 4 हो सकती है। n की वैल्यू 4 हो सकती है, उसके आगे बोलो क्या क्या हो सकती है? अब हो सकती है जितनी मर्जी। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो n की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी मर्जी ले लो आप। तो आप आंसर क्या लिखोगे? n greater than or equal to 4, या फिर he must fire at least कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। कम से कम वो 4 बार अपना ट्रायल करे, एक्सपेरिमेंट को कम से कम 4 बार ट्रायल करे, तो उस 4 बारी में कम से कम उसको एक बार सक्सेस मिलेगी, वो 90% से ज्यादा है। तो आप लिख सकते हो n is at least 4 टाइम्स। या he must fire at least 4 times। आया सही में क्वेश्चन? थोड़ा सा अलग हटके है, एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर होता था तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब एक ऐसा क्वेश्चन आप मुझे करके देखो। जब ये आप बाइनोमियल कर लोगे, पॉइजन कर लोगे और नॉर्मल कर लोगे, जब 4 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, तो कम से कम 3 क्लास लगेंगी चारों की मिलाकर जो वर्कशीट बनेगी वो सॉल्व करने की। वर्कशीट आप यहीं भी बैठ के सॉल्व करोगे मेरे सामने, जब मेरे सामने सॉल्व कर लोगे वर्कशीट आपसे वापस ले लूंगा, घर ले आने दूंगा और फिर दे दूंगा अगली क्लास। तो इसके बाद और कुछ चैप्टर भी है? इसके बाद आपका देखो छोटे छोटे हैं, वो अर्थमेटिक मॉड्यूलो बचा है, वो एक एक क्लास के हैं, उसमें कुछ है तो है नहीं, लेकिन करवाने तो हैं। और क्या बचा है? इंडेक्स नंबर बचा है, इंडेक्स नंबर फॉर्मूला बेस्ड है, समझो फटाफट हो जाएगा वो। तो अभी देखूंगा, पता नहीं अप्लाइड में कौन कौन से इंडेक्स नंबर है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो मैं पढ़ाता था इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो उसमें सारे थे, फिशर्स भी था, पाश्चे भी था, दिखा रहे हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं। खैर हम सारे कर लेंगे, आपके कहीं ना कहीं काम ही आ जाएंगे। वैसे एक क्वेश्चन और लिख के करके दिखाओ जी, ऐसा ही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट, the probability of a man hitting a target is 1/4। लगभग सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो फुल स्टॉप। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट the probability of his hitting the target, the probability of his hitting the target at least once, hitting the target at least once is greater than 2/3। Pura question same diya hai, आप मुझे n की वैल्यू बताओ इसमें से निकाल। ये पता नहीं क्यों दिए थे, हट गए थे उससे, क्योंकि इनवर्स जो है ना प्रॉपर्टी के लिए ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x, ये हाँ ये पूरे फॉर्मूला होता है एज इट इज। और ये जो होता है ये होता है
देखो एक्चुअल में तो ये होता है, ये होता है थ्री टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, लेकिन ये कॉट इनवर्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 माइनस टैन इनवर्स, ये लिख सकते हैं इसको, ये लिख लिया इसको ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ गया 5/2 माइनस 3 टैन इनवर्स, हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसकी जगह ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू इसकी जगह ये आ गया, इस ये देखें हाँ मैंने cot इनवर्स x को, ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये भी इनवर्स की प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों का सम मिला के 5/2, तो हम cot इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 5/2 माइनस tan इनवर्स, अब जो भी x है वो tan इनवर्स में भी आएगा, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रख लो डिवाइड में, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 3 ये कैंसिल माइनस 2 होता है, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने बना कर मैंने करवाई थी शुरू शुरू, के क्यूब इनटू डिटरमिनेंट है बी ऑप्शन, कुछ करना ही नहीं, देखो इन्होंने क्या किया है इसकी हर रो में के मल्टीप्लाई कर दिया है ना, देखो के ए के बी के सी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा सेम आ गया, अगर हम यहाँ से के कॉमन लेंगे, यहाँ से के कॉमन लेंगे और यहाँ से के कॉमन लेंगे, तीनों रो से अलग अलग, तो यहाँ पर आ जाएगा के क्यूब बाहर, हर रो से के बाहर ले लेंगे, फिर ये जो डिटरमिनेंट बनेगा वो पूरा यही हो जाएगा, तो आंसर क्या आया के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट, ये भी हट गया, ये 4.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, ये भी नहीं है इसका, वैसे तो इसका कोई पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी डिस्कंटिन्यूअस नहीं थे, लेकिन आप इसको कैसे बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक x की वैल्यू यहाँ से माइनस में आ रही है और एक x यहाँ से जीरो आ रही है, जीरो से बड़ा नंबर लेंगे वन मान, तो ये वन रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ वन रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, अगर हम जीरो माइनस वन के बीच में लेते हैं माइनस हाफ, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस हाफ में प्लस वन करेंगे ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ये इसके रेंज में, और यहाँ पे अगर हम छोटा लेंगे माइनस वन से माइनस टू तो ये नेगेटिव आ रहा है माइनस टू पे, माइनस टू मॉडुलस सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक्स की नेचर चेक कर रहे हैं, माइनस टू पे ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये पहली बार नेगेटिव है तो ये प्लस, तो बता आपका फंक्शन कैसे डिफाइन करिए, जब एक्स माइनस वन से छोटा तो माइनस एक्स प्लस वन कैंसिल वन बन गया, जब एक्स माइनस वन से बड़ा है या इक्वल है और जीरो से छोटा है तो फंक्शन बन गया माइनस टू एक्स माइनस वन, ये सॉल्व कर, और जब एक्स जीरो से बड़ा है तो ये ब्रैकेट को x x कर दिया है, ये फंक्शन पे जाके सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सॉल्व, n बताओ मतलब कम से कम एक बार ट्रायल करना है उसको, अच्छा चेक कर लें एक बार, हम तो वही करेंगे ना, एटलीस्ट वन के लिए जीरो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के वन में से माइनस करेंगे, तो वन माइनस एन सी जीरो, पी कितना है फिटिंग करता है 1/4 होल पावर 0, 3/4 होल पावर n, ठीक है, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये रह गया 1-3/4 होल पावर n, ये प्रोबेबिलिटी आ गई एटलीस्ट एक बार हिट करने वाली, इसको किससे ग्रेटर देन रखना है 2/3, 2/3 को इधर लाके माइनस कर लो, ये कितने बचे 1/3 और ये बचा 3/4 टू दी होल पावर n, इसको उल्टा कर लेंगे ये 3 बन जाएगा, इसको उल्टा कर लेंगे अभी भी फ्रैक्शन ही रहेगा, लेकिन बना लो कोई बात नहीं फिर भी आसान रहेगा, इसको उल्टा कर दिया 3, इसको उल्टा कर दिया 4/3, साइन बता दो बीच में, वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, अब 3 लेस देन, ये लगभग मैंने 1.3 बना लिया इसको, ये 1.333 कुछ है,
सिर्फ n की वैल्यू निकालनी तो है, n को 1 रखने से क्या ये ट्रू है? नहीं. n को 2 रखने से 1.3 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 1.69, अभी भी ट्रू नहीं है. n की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती. n की वैल्यू 3 रखने तो ये मनीष नहीं, नहीं मैं, आपने तो बोला हिटिंग टारगेट प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये बोली ना मैंने. टारगेट को हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी दी थी मैंने आपको? तो 1/4 ही तो नहीं है, ये नॉट हिट करने की हो गई. ये हिटिंग की है, ये नॉट हिटिंग की है. अब ये हिटिंग हमें कितनी बार चाहिए? 0 बार हमें चाहिए नहीं हिट, तो सारी हमें क्यों चाहिए इसका मतलब? क्योंकि मन हाँ वही. अब ये ना देखो, एन की वैल्यू आपको रैंडम चेक करनी है. एन को जब हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 1.3 का क्यूब हो जाता है. 1.3 के क्यूब का मतलब 1.69 × 1.3. चेक करके देखना पड़ेगा 3 से बड़ा हुआ या नहीं हुआ. नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एन को 4 रखेंगे. एन को 4 रखेंगे 1.69 × 1.69, लगभग 1.7 मान लो, राउंड ऑफ कर लो, 1.7 × 1.7, 2.89. इसका मतलब n की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती, अभी भी छोटा है 3 से. n की वैल्यू 5 है इसका. तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है? 5 से स्टार्ट करके 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. तो यहां यहां तक आने के बाद थोड़ा सा बेसिक एलजेब्रा, मतलब कह सकते हो आप, अर्थमेटिक कह सकते हो, n के प्लेस पर 1, 2, 3 पुट करते जाओ. क्या चीज आसा, दोबारा पूछो. रेसिप्रोकल क्यों करते हैं यहाँ पे? उसमें क्या होता है, देखो फ्रैक्शन में वैल्यू चेक करने में ना आपको प्रॉब्लम आएगी. जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ यहीं पे चेक करना शुरू कर दो, इसी स्टेज पे मत करो रेसिप्रोकल. तो आप एन को पहले 1 पुट करोगे, अब ये हो गया 3/4 यानी 0.75, 0.75 की पावर 1, और ये हो गया 0.33. ये चेक करने में आपको दिक्कत आएगी. चेक तो ये भी कर सकते हो लेकिन आप ही को परेशानी आएगी, इसलिए हम फ्रैक्शन खत्म करके एक तरफ का कम से कम खत्म करके 3 बना लिया, उसको 1.3 लिखकर ये चेक करना ज्यादा आसान है. ये आपकी मर्जी है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको रेसिप्रोकल करके ही एन की वैल्यू निकालनी है. आप मत करो रेसिप्रोकल, समझे मेरी बात? क्लियर हुआ भाई सबको? ये क्लियर हो गया? ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी को बोलेगा 90% से ज्यादा करो, 80% से ज्यादा करो, या 2/3 से ज्यादा करो. इसमें n की वैल्यू जनरली या तो 4 से बड़ी आती है कभी देखना, या 5 या 5 से बड़ी आती है. इसके नीचे नहीं आती किसी भी क्वेश्चन में. बस एक लास्ट क्वेश्चन और हम फिर परसों से शुरू कर रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. A die is thrown 5 times. Last question hai aaj ka. A die is thrown 5 times. Find the probability that an odd number will come up. An odd number will come up exactly 3 times. Exactly 3 times. Sir, a dice is thrown 5 times. A die is thrown asta 5 times. Yes, isme n kya lenge? Aur r kya lenge? 3. Aur p kya lenge? Maine kya manga hai? Kya cheez upar dikhe? Odd number. Dice to odd number ki probability dekh lo kya hoti hai, wahi p hai hamara. Aap hoti. खत्म हो गया क्वेश्चन. इसको पूरा सॉल्व कर लो, ज्यादा बड़ा मैं बाकी आपको आंसर बता देता हूं. इसको सॉल्व करके बताओ, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए बोल रहा हूं. सर 10/5. इसको सॉल्व कर लो, ऐसा 2/5 देखो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है. 2/5 32 ही तो होता है, तो सॉल्व करके बताना मुझे पूरा. दे दिया होगा क्योंकि ऑप्शन में ना, अगर मान लो ये एमसीक्यू होता है तो
तो ऑप्शन में ये नहीं होगा, ऑप्शन में पक्का सॉल्व करके होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी पावर थोड़ी है ये। आंसर आ रहा है 5/16। अब बताएं भाई आपको बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया, बाइनोमियल कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये भी क्लियर है। अगर मैं एक कॉइन को एक बार टॉस करूं और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या होती है? हाँ, तो क्या आप इसे बाइनोमियल लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? अननेसेसरी लगाएंगे। अच्छा, कॉइन को अगर दो बार टॉस करके हाफ की हेड की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो भी नहीं लगाएंगे, जरूरत क्या है? हाँ, अगर कॉइन को पांच या छह बार टॉस करवा के पूछा जाएगा अब बताओ तीन बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लगाना फायदेमंद रहेगा। एक बैग में से एक एक करके तीन बॉल निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में कभी नहीं लगेगा। एक बैग में से तीन बॉल निकालनी है एक साथ, लगेगा नहीं लगेगा? अब भी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब एक बैग में से एक एक करके बॉल निकालनी है, और वो भी कैसे? विद रिप्लेसमेंट। तब लगेगा। क्लियर हो गया? और जैसे होता है कि एक फैक्ट्री है उसमें 2% डिफेक्टिव आइटम है, सैंपल निकाला गया 10 बल्ब का, क्या प्रॉबर्टी है उसमें से 5 डिफेक्टिव है? तो इस केस में हम ये मान के चलते हैं अपने आप ही कि वो 10 बल्ब का जो सैंपल निकाला है वो एक एक करके निकाला, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में क्लियर लिखा हुआ था, कंफ्यूजन कभी नहीं छोड़ते क्वेश्चन। चलो जी ठीक है, परसों करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे एक बच्चा मैसेज करना, मुझे बुक लेके आने भूल जाता हूँ, आड़ी शर्मा नहीं करा रहा आपको, बस लिखना ब्रिंग प्रिस्क्राइब बुक, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। मैं आपको बीकॉम की बुक में से क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो आपको ऐसा बेस अच्छा बनेगा उससे, ठीक है जी। ओवर करें फिर इधर आदित्य, जानवी, जानवी, ईशान, ओके जी ठीक है।